कहा जाए, वर्तमान के अंदर राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मियों का लिए एक कमेटी बनाई, हमारे मंत्री जी बीडी कल्ला जी उसके अध्यक्ष बनाए। सारे संविदा कर्मियों को खुशी हुई कि कुछ न कुछ हमारा समाधान होगा, कई मामलों में प्रोग्रेस हुआ है, उसके लिए हम धन्यवाद अर्पित करेंगे। लेकिन कई ऐसे संविदा कर्मी हैं वो आज भी कई न कई दर दर्द की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि सरकार इस अपने कार्यकाल में इन संविदा कर्मियों पर विशेष ध्यान दे, तो संविदा कर्मी भी, राज्य के संविदा कर्मी भी कहीं न कहीं सरकार की ओर ध्यान देंगे। माननीय सभापति महोदय, आज हमारा जो देश है, हमारे देश में नारे लगते हैं कि जय जवान जय किसान। हमारा देश किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, और किसानों की देश की अंदर स्थिति जो बनी हुई है, ये बड़ी दुखद बात है। मैं एक क्षेत्रीय पार्टी से आता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि देश के अंदर किसानों की जो स्थिति बनी हुई है, हम देखते हैं कि किसान 1.5 साल से दिल्ली हाईवे पे बैठे हुए थे। हमारे माननीय सदस्य भी यहाँ बैठे कह रहे हैं हमारे साथ न्याय करो, हमारे साथ न्याय करो। उनके 3 दिन ही हुए और वो किसान 1.5 साल से वहाँ हाईवे पे बैठे हुए थे, तो उनकी क्या स्थिति हुई होगी वो सोचने की बात है। अभी हमारे माननीय सदस्य बेहोश हो गए, 3 दिन यहाँ पर नारे लगाए और बेहोश हो गए, और किसान 1.5 साल से वहां बैठे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्यों उनकी सुध नहीं ली, ये सोचने वाली बात है। और इस देश की जनता समझ चुकी है, इस देश के अंदर जो माहौल बन रहा है, इस देश के अंदर जो गरीबों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, किसान कौम के खिलाफ जो माहौल सरकार जो कानून बना रही है, जो नियम बना रही है, इससे आज पूरी देश की जनता, आज पूरे देश का युवा समझ चुका है। माननीय सभापति महोदय, एक खाद्य सुरक्षा की बात आती है कि हर गरीब को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाएगा, हर गरीब को अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन आज 2 साल हो गए खाद्य सुरक्षा के लिए हमारे लोग आवेदन कर रहे हैं, जिनको जरूरत है सख्त, लेकिन आज तक इस आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, और नए जो खाद्य सुरक्षा में लोगों को नहीं जोड़ा जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा राजस्थान सरकार इस पर विशेष ध्यान दे कि हम गुजरात, ये जो पंजाब है, बिहार है, हरियाणा है, वहाँ से हम गेहूं आयात करते हैं और हमारे लोगों को खिलाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, राजस्थान की जनता ये चाहती है, राजस्थान का किसान ये चाहता है कि राजस्थान के अंदर जो गेहूं पक रहा है, राजस्थान के अंदर जो खेती हो रही है, वही अनाज राज्य सरकार खरीदे और इन गरीबों को ये जो खाद्य सुरक्षा में जो बट रहा है उसको बांटे। क्योंकि समझने की बात है, पंजाब के अंदर सारा जो गेहूं पक रहा है वो कहीं न कहीं यूरिया खाद से, जहरीले पानी से, जहरीले ऐसे छिड़काव से बन रहा है, इससे हमारे राज्य की जो लोगों की, गरीब लोगों की जो स्थिति है बिगड़ रही है। कई बार ऐसा गेहूं भी आता है कि पशु भी नहीं खाते, पशु को भी खिलाने के लिए उनको धोना पड़ता है, धो के फिर पशु को देना पड़ता है, इस प्रकार के भी गेहूं आते हैं। तो राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे, हम देखते हैं हमारा जो प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, काफ़ी खेती होती है, वहाँ का एक गरीब किसान साल भर खेती करता है, अगर गेहूं का सीजन आया है गेहूं करता है, और गेहूं करने के बाद वो उस अनाज को तैयार करता है, तैयार करने के बाद मार्केट में लेके डर डर की ठोकरे खाता है, बाप पूछता है कि सेठ जी बाव हूं है, और जिस सेठ जी को ये गेहूं कहाँ लग रहा है, ये गेहूं कहाँ पकता है, गेहूं को कितनी बार पानी पिलाना पड़ रहा है वही नहीं पता है, वो बैठे बैठे कहते हैं कि बाव उतर गया है अभी तो। ये क्या स्थिति बनी हुई है देश के किसानों की। आज राज्य सरकार को कहना चाहूंगा इस बात को तो गंभीरता से ले, मानते केंद्र सरकार तो किसानों के हितैषी नहीं है, किसानों के विरोधी है, लेकिन राज्य सरकार के हाथ में जो है, राज्य सरकार के जो है वो इस चीज का ध्यान रखे, और हमारे बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में जो लोग हैं, राज्य सरकार मंडी बनाए और वहां से जो किसान है उसको एक उचित मूल्य, मतलब एक फिक्स उनको पैसा दे कि किस वस्तु का कितना पैसा है वो तय हो जाए, और गरीब लोगों को ये जो अनाज पका रहे, रात दिन मजदूरी करते हैं, उनको पैसा देने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, राज्य के अंदर हमारा विशेषकर देखा जाए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, एक ये जो आदिवासी समाज है वो पशुपालन से जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ है। मेरी विधानसभा के लिए माननीय मंत्री जी ने लगभग 10 से 12 उप स्वास्थ्य केंद्र दिए, पशु उप स्वास्थ्य केंद्र, और कई किसान सेवा केंद्र खोले, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन साथ ही राज्य सरकार को एक विषय पे ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि उस इलाके में अभी एक जंगली बबूल और एक गेबरे, एक दो ऐसी प्रजाति पाई गई है, उस प्रजाति की वजह से
हमारे इलाके के अंदर और देखा जाए तो पूरे राजस्थान के अंदर जो पशुपालन है, जो पशुधन है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और वो एक ऐसी जहरीली चीज है। तो राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे, और हमारे ये जो सदस्य बोल रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि ऐसे विषय पे ध्यान दे, गरीबों का ध्यान दे, आदिवासियों का ध्यान दे, और आदिवासियों के जो इशू है ऐसे इशू पे ध्यान दे, लेकिन वो देते नहीं है, सिर्फ चिल्लाना जानते। कोरोना आया, देश के अंदर तालियां बजा दी, देश के अंदर थालियां बजा दी, और देश के लोगों को कहा कि तालियां और थालियां बजाने से कोरोना चला जाएगा। ये समझने की बात है, ये कौन सी सदी में जी रहे, ये कौन से अंधकार अंधविश्वास की सदी में जी रहे, समझने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पे चाहूंगा, अभी हमारे टीएडी मंत्री महोदय बैठे हुए, केंद्र सरकार के तहत एक संविधान में प्रावधान किया गया है कि पूरे भारत के अंदर जो शेड्यूल 5 है और शेड्यूल 6 है, तो केंद्र सरकार का जो बजट है उस बजट को सभी शेड्यूल 5 इलाके में एक निश्चित मात्रा में तय किया हुआ है, वो देना होता है। लेकिन केंद्र सरकार ने राजस्थान के आदिवासियों के लिए जो बजट आता है वो संविधान में प्रावधान है, उस बजट को भी उन्होंने नहीं दिया है। हमारे मंत्री महोदय आज गरीबी से महसूस कर रहे हैं, वो अपने इलाके के लोगों का काम नहीं करा पर हम भी जाते कहते हैं केंद्र सरकार बजट नहीं दे रही है। तो हमारे इन सदस्यों को कहना चाहूंगा, और हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के और राजस्थान के जो 2500 सांसद गए हैं, उन सांसदों को कहना चाहूंगा कि जब आदिवासियों की बात आती है तो बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, एक सोचने की बात है, समझने की बात है कि बीजेपी के अंदर एक देखा जाए, ये कटु सत्य है कि बीजेपी का जो विधायक होता है, सांसद होता है, उनको आदिवासी शब्द नहीं बोलने दिया जाता है, उनको क्या कहा जाता है, वनवासी कहा जाता है। एक उनके लोगों के वनवासी कल्याण परिषद, आदिवासी इलाके के अंदर उन्होंने लोगों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए गांव गांव हर सब जगह वनवासी कल्याण परिषद की दुकानें खोली है और उसको लेकर बंद करने का काम किया उन्होंने पिछली सरकार ने। आज अड़ोल फलासिया इलाका हर बार न्यूज में आता है, हमारे बीजेपी के एक बड़े दिग्गज नेता है, राजनीति करने के लिए हर बार चले जाते हैं वहां, लेकिन क्या क्या किया उस इलाके में, स्कूलें बंद करने का काम किया है और आरएसएस की वनवासी कल्याण परिषद की शाखाएं खोलने का काम किया है। लेकिन यह समय अब दूर नहीं रहा है कि आदिवासी इलाका, गरीब समाज हो, पिछड़ी समाज हो, उनकी जो चाल है, उनकी जो नीतियां है, उनको समझने लग गई है और बहुत जल्दी उस इलाके में खाता भी नहीं खोलने वाला है। माननीय सभापति महोदय।